जगत में कोई किसी को खिलाता नहीं, कोई किसी को पिलाता नहीं, कोई किसी को जियाता नहीं, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। कीड़ी में, कर्ण में, हाथी में, मन साहब मरो राम आदेश। कहे नकल असको जग माही, भुज बल जाही चिता में आई। संसार में ऐसा कोई खल, ऐसा कोई युद्ध नहीं है कि जिन्होंने मैं, जिनको मैंने नहीं जीता है, रावण कहता है। और मैं राजा हूं, मैं बलवान हूं, योद्धा हूं, और मेरी प्रीति, मेरा प्रेम उस महिला पर हो गया है। और ये हमारी नीति है कि जो बलवान होते, योद्धा होते, वो अपना संकल्प पूरा करते रहते, अपने गलत संकल्प को सही ठहराने का प्रयास किया। अस्कही किन्हें शिक्षा चरण प्रहार, मैंने जो चाहा है वो मैं करके रहूंगा, भाग तू मुझे कौन समझने वाला, ऐसा करकर उसको चरण प्रहार लात मारी। अनुज गए पद बार ही बारा, वो गिर गया। और यहां और एक गलती रावण की ओर से, हनुमान जी आए तब गलती की के चरण से लात मारी, पैदल से हनुमान जी को मार दिया। बाकी तो सम्मान किया, ढोल नगाड़े से सम्मान किया, मगर गलती ये हुई, पैरों से हनुमान जी को मारा गया। यहां प्रभु राम के भगत को पैरों से मारा गया। और भगवान कहते हैं कि थोड़ा तो मेरे साथ ऐसा वैसा कर लेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मगर नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भगत को कोई परेशान करता है तो वो मैं सहन नहीं करता। उमा संत कही यही बड़ाई, मंद कर्म जो करही बलाई। अपने बाकी को आपको मंद करना है तो संत का अपमान करना, ये संत है विभीषण, और संत का रावण ने अपमान किया। मगर उन्होंने कहा कि तू मेरा बड़ा भाई, मेरे पिता तुल्य है, तूने मारा तो कोई बात, चल भूल जा, मगर तुम भी तो सरसी भले ही मोहिमा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। अभी भी मैं आपको कहता हूं कि प्रभु हे बड़े भाई, राम के भजन में ही आपका हित समाविष्ट है, राम के भजन के बगैर आपका छुटकारा होने वाला नहीं। सचिव संग लई नभपत गयो, सब ही सुनाई खबर असि गई। और जब उसको पिटा गया, रावण ने किसी बात नहीं सुनी, तो विभीषण ने अपना रोग रसोप धारण किया, और विभीषण भी रावण का भाई था, कोई कम नहीं था। उन्होंने मायावी स्वरूप धारण किया, अपने सागरी कुत्तों के साथ आकाश में चला, वो भी उड़ने की विद्या जानते, मगर भगत था, भगत है उसका, उसको कुछ पता नहीं चलता है, नहीं भगत सब कुछ जानते हैं, मगर भगत अपनी नम्रता के कारण, अपनी भक्ति के कारण पराक्रम नहीं बताते हैं। वरना भगत कोई किसी के पीछे पड़ गया ना तो समझो गया काम से, मगर भगत का स्वभाव होता है ऐसा, कोई बात जाने दे। यहां राम का अपमान किया तो विभीषण को क्रोध आया, अपने शिष्यों के साथ ऊपर चला गया, आकाश में गया, और आकाश में से बोला राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाहु देहु जन को। मुझे लगता है रावण तेरी सभा भी काल के वश हो गई, तेरी सभा में कोई सज्जन नहीं रहा, और जिस सभा से सज्जन निकल जाता है वो उसकी गति काल की ओर होती है, और तू मरने वाला है, और मैं जाग गया, मैं चला, मैं रघुबीर शरण अब जाओ देव जनी खोली, फिर मुझे दोष मत देना, मैं जा रहा हूं, तुझे मेरे साथ आना है तो चल। अस्त कही चला विभीषण जब ही, यहां तक हुए हमारे तो हम यहां तक गया, मगर बजा कितना है,
ये बजने वाला काम बहुत जल्दी हो जाता है। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस थोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊ देहु जन थोरी। अस कहि चला विभीषण जब ही आयु ही न भये सब तब साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के रावण जब ही विभीषण त्यागा, बिन तब ही अभागा चले हर्ष रघुनायक पाय, करत मनोरथ बहु मन माय देखयो जाहि चरंजल जाना, अरुण मुदल सेवक सुखदाता जे पद परसि तरी ऋषि नारी, कंदक कानन पावनता जे पद जनक सुता उर लाई, कपट कुरंग संग घर दाई हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में दे कहूं ते जिन पायन के पादुकनी, भरत रहे मन लाल ते पद आज बिलो कही इन नयन अब जाय, प्रेम विचारा आयो सपद सिंधु यही पारा, कपिन विभीषण आवत देखा जाना कौरी पुदूत विषे, ताही मारी मारुत सुत वीरा ताही राखी कपिस पहि पाए, समाचार सब ताही सुनाए कहा सो त्रिवस नयु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई कह प्रभु सखा पूछिए कहा, कही कपिस नर नाहा जानिन नाई चर माया, काम रूप के ही कारण आया भेद हमारे लेन दस आवा, राखी बांधी मुई अस बाबा सखा नीति तुम नीति विचारी, मम पन शरणागत प्रभु बचन हरष हनुमाना, शरणागत बच्चल भगवान शरणागत कहु जे कतही निज इन्हित अनुमान, ते नर पामर पाप मई इन्हीं बिलो कज कोटि विप्र बदला कहि जासु, आये शरण तजहु सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग पाप वंत कर सहज सुबाहु, भजन मूर्ति ही बावन का जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव किसो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र न पावा, लेन पटवा दस सीसा तब हुन कछु भय हानि कपीसा, जग मम सका निशा कर देते लक्ष्मण हनहि निमश महु तेते, जो सबीत आवा शरणानि रखौ ताई प्राण की नानि, उभय बात ते आनि हुँ हसि कह कृपाल के, जय कृपाल कहि कप चले अंगद हनुमंत में, सागर के आगे कर बानर चले जा रघुपति करुणा कर, दूर से देखे रोगा नैना नंद दान के पाता, कौरी राम चरि धाम लोकी रह उठ तुम एक तक पल रोकी, उच जलंब कंजारुन लोचन श्यामल सात कनक भय मोचन, चिंद कंद आयत उर सोहा आनन हम नयन नीर पुल चित जाका, मन दर धीर कही मृद बाका, नाथ दसानन कर में प्राता निशिकर वंश जनम सुर प्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा सदा अलोकी तम करने, श्रवण सुजस दुनिया यूं
प्रभु भंजन भव की त्राही त्राही आरत हरन शरण सुखद रघु जी अस कहि करत दंडवत देखा तुरत उठे तब हर्ष विशेष दीन बचन सुनि प्रभु मन भाव बुद्ध विशाल कहि हृदय लगा अनुज सहित मिल जित बैठा बोले बचन भगत बैहा काहुलं केश सहित परिवार कुशल कुठाहर पास तुमा फल मंडली बसउ दिन राति सखा दरम निबहु के बाति मै जानउ तुमरी सब प्रीति अभिनय निपुनन भाव अनी बरबल पाक नरक तुर प्राता दुष्ट संग जन के पिता अब पद देखी कुशल रघुराय जो तुम की ही जान जनताय तब लगी कुशल न जीव तुम सपने मन विश्राम जब लगी भजत न राम कहू शोक धाम तभी का तब लगी हृदय बसत कल नाना लोभ मोह मच्छर मदना जब लगी उरन बसत रघुनाथा हरे चाक सायक कटिबाता ममता तरुण तनी अंधियारी राग द्वेष ओलो तब लगी बसति जीव मन माही जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही अस में कुशल मिटे पय पाय देखी राम पद कमल सुमा तुम कृपाल जा पर अनुकूल काही न जापत निश्चर अति अदम सुभाउ शुभ आचरणु किन नहि काउ जात रूप मुनि ज्ञान न आवा हे प्रभु हरि अद जावा मंगल भवन अमंगल हा प्रभु सुजत रत अजर बिहा मंगल भवन अमंगल जपत निरंतर राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस हे रावण राम सत्य संकल्प है और तेरी सभा काल ग्रस्त हो गई है और मैं तो प्रभु राम के चरण में जा रहा हूं बाद में मुझे मत बताइयो मेरा दोष मत निकालना अस कही चला विभीषण जब ही आचार्य तुमसे कहता है कि ऐसा कह के जैसे विभीषण चला तुलसी कहता है कि मुझे लगा के इस सभा का आयुष्य खत्म हो गया आयुहीन भये सब तब ही सबकी आयुष्य खत्म हो गई ऐसा तुलसी ने निवेदन किया और क्यों ना हो विनाश काले विपरीत बुद्धि तुलसी कहते हैं कि साधु की अवज्ञा तुरंत भवानी महादेव कहते हैं कि हे भवानी हे जगत जननी जगदम्बा कोई भी व्यक्ति साधु का अपमान करेगा तो उनका आयु कम होगा कर कल्याण अखिल के हानि अखिल जीवन में उसका कल्याण की हानि होगी अकल्याण होगा रावण जब ही विभीषण त्यागा वैभव विभव बिनु तब ही अभागा रावण वैभव अगर का हो गया नहीं तो विभीषण कुछ नहीं करता था लंका से बाहर रहता था घास फूस की मिट्टी की कुटिया बनाई थी राम का धनुष लगाया था तुलसी का छोड़ 1000 पन्ना चुनता था छोटा सा शालिग्राम मूर्ति मूर्ति वहां कुछ नहीं मिलता था और बाहर राम राम बोलना अलाउड नहीं था कोई राम राम बोलता है सुनाई देता है उसको पकड़ के काट देते तो रावण का राज था 1000 तुलसी लेकर वो पत्थर शालिग्राम के ऊपर प्रभु आप मुझे कब मिलेंगे विष्णु विष्णु भूतात्मा परमात्मा से मुक्ता नाम परमादरे अभी साक्षी सर भक्ति करनी है तो मन हो तो मालवे से नहीं तो फिर ना चल जाने आंगन
यदि करना है तो सब कुछ अनुकूल है, नहीं करना है तो बहुत कुछ बहाने सामने, और जिसको करना है उसको कोई बहाना नहीं है, और जिसको नहीं करना है उसके पास अनेक बहाने हैं। तो हमारे घर में कई बार हम सोचते हैं कि मैं उसको खिलाता हूं, मगर उसी के भाग्य का हमारे घर में आता है। कई बार हम सोचते हैं किसके भाग्य का, हमारे घर में धन वैभव दौलत यदि आता है ना, वो कोई व्यक्ति यदि मेन पर्सन हेड ऑफ द फैमिली ये सोचता है कि मेरी बुद्धि के कारण, मेरे हुनर के कारण मेरे पास ये सब आ रहा है, तो गलती है। कई बार अच्छा कुत्ता होता है घर में, अच्छा पशु होता है, ढोर होता है, बुद्धे माँ बाप कुछ नहीं करते, उनके भाग्य से भी आता। तो यहां ये विभीषण चला गया तो समझो जैसे उसका भाग्य चला गया। रावण जब ही विभीषण त्यागा